आज भगवान परशुराम जी के जन्मदिन पर चटवाल परशुराम जी के फोटो पर पुष्प अर्पित किए गए और मिठाई बांटी गई। भगवान परशुराम के जोर जोर से झुनकारे लगाए गए जिसमें बहुत से युवा शामिल हुए। मुख्य रूप से उपस्थित ब्राह्मण वर्ल्ड फेडरेशन के सदस्य दक्षी शर्मा, रोमी शर्मा, गणेश दत्त, अजय भारती, सुमंत शर्मा और रोमी शर्मा ने बताया, भगवान परशुराम जी के पौराणिक कथाओं और धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान परशुराम विष्णु जी का छठा अवतार माना जाता है। परशुराम जी का संबंध त्रेता युग से है। परशुराम शब्द का अर्थ फरसा लिए हुए भगवान राम। जब परशुराम जी को भगवान शिव से परशु प्राप्त हुई थी, जिसके बाद पृथ्वी लोक पर किसी भी व्यक्ति को उन्हें हराना असंभव हो गया था। परशुराम जी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें शिव जी एक फरसा वरदान के रूप में प्राप्त थी, जाही कारण है कि उनका नाम परशुराम है। शिव जी ने उन्हें युद्ध कौशल भी सिखाया। ऋषि जमग्नि रेणुका देवी के पुत्र थे। जब वे बेटे और तब से गहन शिक्षार्थी थे और वे सदैव अपने माता पिता की आज्ञा मानते थे। रोमी शर्मा ने एलजी जम्मू कश्मीर से अपील की, जम्मू कश्मीर से ब्राह्मण बोर्ड का निर्माण किया जाए जैसे स्टेट से बना है, ताकि ब्राह्मण समाज में गरीब ब्राह्मण और गरीब युवाओं को इसका लाभ मिल सके। पुष्प अर्पित में शामिल हुए गौरव भारद्वाज, गणेश दत्त, अजय भारती, रामलाल, सुमित शर्मा, वरुण शर्मा, अरुण शर्मा, शिव शर्मा, राहुल शर्मा, राकेश शर्मा, संजीव शर्मा, रोहित शर्मा आदि। रिपोर्ट बाय अखिल पंगोत्रा। अगर आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताजा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।